हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने पाइप एंड सिस्टर्न की ओर, जो कि हम किरण प्रकाशन से सॉल्व कर रहे हैं। किरण पब्लिकेशन की 8700 बुक है और हमारे टाइप 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने टाइप 4 की ओर, जिसमें ओनली 5 to 6 क्वेश्चन हैं, तो उन्हें भी हम फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं और फिनिश कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा टाइप 4 का। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक नल किसी टैंक को भरने में इसके एक रिसाव, मतलब एक तो नल है और दूसरी तरफ एक रिसाव है, मतलब लीकेज है। लीकेज बोल सकते हैं या फिर मैं रिसाव ही लिख देता हूँ, ठीक है। रिसाव का मतलब है एक पाइप है, जो कि पाइप नहीं, मतलब एक टंकी में छेद होता है ना, तो उसे रिसाव या लीकेज ये शब्द बोल दिया जाता है। रिसाव जो नल के अंतर्वाह के आधे के समतुल के बराबर है, मतलब नल के आधे के बराबर है, बस इतना याद रखो, कुछ नहीं है। मतलब ये कि नल अगर 2 पानी भरता है तो ये कितना भरता है भाई, 1 भरता है, 1 निकालता है, ठीक है। आधे के समतुल्य, आधे के समतुल मतलब आधे के बराबर है, जो कि नल से रिसाव जो है आधे के बराबर है, ठीक है। इसके कारण, मतलब दोनों लोगों मिलकर जब दोनों पाइप चल जाते हैं तो 36 घंटे में अतिरिक्त समय लगता है। 36 घंटे अतिरिक्त समय, ये क्या है मेरी इफिशियंसी, इसे क्या कहेंगे, इन दोनों पाइपों की क्षमता, एक रिसाव वाले लीकेज की और डालने वाले की। अच्छा, मैंने आपको टाइम एंड वर्क में सिखाया था, जब कभी हम इन्हें टाइम बनाते हैं, समय में चेंज करते हैं, तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। तो ये क्या हो गया भाई, मेरा टाइम हो गया, सिंपली हमने ये लिख दिया टाइम। अब देखो टाइम कितना अधिक लग रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कुछ और होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कुछ और है भाई। मेरे अकॉर्डिंग तो 1 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 36। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है। नल का अंतर्वाह टैंक को कितने समय में भर देता है, तो मतलब नल से जो हम पानी भर रहे हैं, तो वो कितने समय में टंकी को भर देगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो 1 बराबर कितना है मेरा, 36 घंटे। सबसे पहले हम एक काम कर देते हैं, यहाँ पे सिंपली 36 घंटे तो हैं, 1 बराबर 36 घंटे। अब यहाँ पे सिंगल पूछा हुआ है, तो सिंगल 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का, 36 का, क्योंकि नल का ही तो समय है भाई ये, 1 नल का समय है, तो 1 में मल्टीप्लाई 36 का, तो 36 घंटे हो जाएगा। अच्छा, समझ में नहीं आया, चलो तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले एक काम कर लेते हैं, हम इनको क्या है, टोटल वर्क टंकी की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो टंकी की क्षमता निकालने के लिए मुझे चाहिए क्या, 36, 1 बराबर कितना, 36 मिनट। मैंने आपको टाइम एंड वर्क में ये सारी समझाए हैं, 36 घंटे लग रहे हैं, और 36 घंटे में समय में अगर मैं क्षमता का गुणा कर दूं, तो ये क्या होगा, टोटल टंकी की कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। अब ये टंकी की कैपेसिटी निकल के आ गई, अगर आप इधर से निकालना चाहते हैं, बिल्कुल निकाल लीजिए, 36 का मल्टीप्लाई 2 में कर लीजिए, 36 दुनी 72, 72 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 72 रहेगा, या 36 दुनी 72 तो 72 ही रहने वाला है। तो अब इसे क्वेश्चन बोल रहा है, इसे सिर्फ नल अगर भरे तो कितना समय लगेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो उस केस में भी 36 घंटे हमारा जो है फाइनली आंसर होगा। समझ गए, कुछ नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अटपटी सी, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, 1:2 के मान की वैल्यू निकाल कर यहां से आप कर सकते हो, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें सीख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक लड़का तथा एक लड़की, तो ये तो हमने शायद बेसिक वाली वीडियो में कराया हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। एक लड़का और एक लड़की मिलकर किसी हौज को पानी से भरते हैं, ठीक है, और लड़का जो है प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर, जो बॉय है, लड़के की बात करूं मैं, जो कि कितना बोल रहा है, प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर, कितना, 3 मिनट में 4 लीटर फिल कर देता है, तो 1 मिनट में कितना कर रहा होगा, जरा बताइएगा, 1 मिनट में कर देगा 4/3 लीटर, ठीक है, 1 मिनट में कितना हो गया, 4/3 लीटर। अब गर्ल्स की बात आएगी, तो गर्ल्स कितना कैसे कर रही है वो हम देख लेते हैं। तो गर्ल्स यहाँ पे दे रखी है कितना, जबकि लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर, कितना, 4 मिनट में 3 लीटर, तो 1 मिनट में कितना कर देगी भाई, 3/4,
समझ गए। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है हौज में 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। अब 100 लीटर का टैंक है, अब दोनों मिलके भरेंगे तो गर्ल्स प्लस बॉयज करेंगे या बॉयज प्लस गर्ल्स करेंगे, तो इनकी इफिशियंसी जोड़ लूँ तो कितना हो जाएगा, 4/3। दोनों का समय समान होना चाहिए, याद रखना, एक एक मिनट का ही लेकर चलो। 4/3 प्लस 3/4 ऐड कर लो जी, इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 एलसीएम ले लूँ, 12 × 4 = 16 प्लस 3 × 9, 16 × 9 कितना हो गया, 25/12 से इसे डिवाइड दे दो तो 25/12 बट्टे का 12 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर। सिंपली हम इसे कैलकुलेट कर लेते तो 25 × 100, 12 × 48, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो मतलब वो लोग जो है 48 मिनट में भर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा, कुछ नहीं आपको एफिशिएंसी, मतलब अगर मिनट में दिया तो सबसे छोटी मिनट देखते हैं, घंटे में दिया तो एक घंटे वाली को हम एफिशिएंसी मान लेते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक मिनट में इतना, एक मिनट में इतना, दोनों को मिला दिया, दोनों को मिलाने के बाद काम करा दिया, तो टंकी भरने में 48 मिनट का समय लग गया। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, कैसे सॉल्व करना है वो भी इसे हम सीख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल फॉर्म में सॉल्व करेंगे। 3 नल PQR अलग अलग किसी हौज को क्रम से 4, 8, 12 घंटे में भर सकते हैं, एक अन्य नल S जो है 10 घंटे में खाली कर सकता है। 4, 8, 12 PQR S कितने कितने, 4, 8, 12, 10 LCM कितना हो जाएगा जी बताइए, 120। 4 से काटेंगे 30 बार, 8 से 15 बार, 12 से 10 बार, 10 से 12 बार, समझ गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जुगत खाली हौज को अन्य से कम में भरेगी, सबसे कम में कौन फिल करेगी। पहला ऑप्शन है क्यू, मतलब क्यू केवल, तो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं क्यू कितना समय लेगा। तो 120 लीटर की टंकी को अगर वो क्यू कितना है मेरा 15 से डिवाइड कर दूँ तो समय निकल के आ जाएगा कितना भाई, ये तो ले रहा है 8 घंटे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोला गया है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है कि पी तथा एस खोल दिया जाए, पी और एस, एस याद रखना खाली करने वाला है, पी तथा एस, तो मतलब 30 में से 12 गए तो टंकी में पहुंचेगा कितना 18, तो टंकी में 120 लीटर की टंकी है, 18 से भरेगा तो कितना समय लगेगा, तो 6 × 12 = 18, 3 से डिवाइड करो, 3 से काटेंगे तो 3 × 18 2/3, 6 × 2/3 घंटे। देखते हैं थर्ड ऑप्शन में क्या कहानी है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं ध्यान से, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ PRS, तो P और R कितना हो गया भाई 40 में से माइनस 12, 40 में से माइनस 12 करेंगे तो कितना बचेगा 28, तो 120 लीटर की टंकी को अगर मैं 28 की फॉर्म से भरूं तो कितना समय लगेगा, 4 से काट लें 4 × 3 = 12 = 30, 4 × 7 = 28, 7 से काटेंगे 7 × 28, 7 × 28 के बाद कितना बचा 2/7, तो कितना हो गया 4 × 2/7। एक और है फोर्थ वाला, उसे भी देख लेते हैं। तो फोर्थ वाले में क्या दिया PQS, तो 30 और 15 40 और 45, 45 में से अगर 12 जाएंगे तो बचेगा कितना भाई 33, कितना बचेगा 33। अब 33 की इफिशियंसी से भरवा लो, तो 120 लीटर की टंकी है जो कि 33 की फॉर्म से भरेगा, तो 3 × 3 = 12 = 40, 3 × 11 = 12, 11 × 3 = 33, बचे कितने 33 के बाद में 7/11 घंटे। अब आप देख सकते हो कि कौन कम समय ले रहा है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, कम समय में कौन भरेगा, तो कम समय में कौन भर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला है 8, दूसरा है 6, तीसरा है 4 घंटे अप्रोक्स में, ये है 3 घंटे, तो कम कौन सा है भाई 3 × 7/4, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ वाला हो जाएगा। तो सर हमें ये ऐसे ही करना होगा, बिल्कुल आपको ऐसे ही करना होगा, क्योंकि ऑप्शन में हमें वैल्यूज़
दे रखी हैं उनके थ्रू ही हम पुट करेंगे, फिर जाके हम उनके हावर्स बनाएंगे, जब जाकर ही हम पता लगा पाएंगे। समझ गए? तो अभी इस केस में हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पी क्यू तथा एस को खोल दिया जाए तो हमारा जो है सबसे पहले बनेगा 3 सही 7/11 में। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ये माइनस किया है मैंने क्योंकि खाली करने वाला है, ठीक है। चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, कैसे सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक कुंड का 3/5 भाग भरा भाग 1 मिनट में भरता है, मतलब 5 में से 3 भाग 1 मिनट में भर रहा है, तो शेष कुंड कितने समय में भरेगा। चलो देखते हैं भाई, देखो 3/5 भाग 1 मिनट में भर रहा है, मतलब जो 5 टंकी है 5 लीटर की, उसमें से 3 भाग जो है कितनी मिनट में भरता है, 1 मिनट में। तो 1 मिनट में मतलब मैं बोल नहीं सकता 60 सेकंड में, भाई 60 सेकंड भी तो बोल सकता हूँ 1 मिनट को, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड। तो 3 बराबर है 60 सेकंड, तो 1 कितने में निकालता होगा भाई, 20 सेकंड में। 1 भाग पानी निकालने में सिंपली कितना समय लेता होगा, 20 सेकंड। अब क्वेश्चन ने पूछा गया तो कुंड का कितने समय में, मतलब शेष भाग, तो देखो 5 में से 3 भरा हुआ था, शेष भाग कितना बचा था, 2। तो 2 बराबर निकालने के लिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 20 का कर देंगे, 20 दूनी 40। ये तो सीधे सीधे कॉमन सेंस का आंसर है, ठीक है, आप लोग कर सकते हो, क्योंकि 3 बराबर है 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट बोला क्वेश्चन है, मैंने 60 सेकंड लिख लिया, तो 1 यूनिट बराबर 3 से भाग कर दिया, तो कितना 1 यूनिट निकालने में लेता है समय, 20 सेकंड। तो 2 यूनिट मतलब 5, मैंने आपको हमेशा बोला है 3/5 का मतलब क्या है, 5 है यहाँ पे कुल में से अगर मैं 3 हटा दूं, 3 तो भर चुका है, अब बचा कितना होगा, 2 ही तो बचा होगा, 5 में से 3 चले गए, तो 2 बराबर हमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 40 सेकंड आंसर। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि शायद इस वीडियो का, इस टाइप का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा और आपका डाउट भी होगा। चलो तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, सिंपल फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। पानी से पूरी तरह भरे हुए पानी के घनावकार, एक घनावकार टैंक है, टैंक से यदि 64 बाल्टी निकाल कर लिया जाता है, 64 बाल्टी निकाल ली जाती है, ठीक है, तो 1/3 टैंक पानी से भरा रहता है, ठीक है, 1/3 पानी से भरा रहता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। टैंक की प्रत्येक भुजा, हाँ भुजा दे दी हमने, बहुत अच्छा किया इसने, ए बराबर हमें कितना दिया है, 1.2 कितना दिया हुआ है, 1.2 मीटर, एक बराबर ए बराबर दे दिया, मतलब ए मतलब एक साइड दे दी है भुजा, जो कि हमें दे दी है कितनी, 1.2 मीटर। माना कि सभी बाल्टियाँ समान है, जो 64 बाल्टी निकाली गई हैं वो सब समान है, ठीक है, तो प्रत्येक बाल्टी में पानी का आयतन कितना होगा, पानी का वॉल्यूम, प्रत्येक बाल्टी में, एक बाल्टी में पानी कितना आता है वो पूछा गया है, ठीक है, तो पानी कितना आता है वो हम देख लेंगे भाई, ये भी मीटर में अभी काम करते हैं, तो आयतन कितना होता है, घनावकार का आयतन हो जाएगा कितना, ए क्यू घन है, सीधी सीधी सी बात है, तो ए क्यू होगा घन है, तो ठीक है, तो अब इसका क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.2 का क्यू करने पर कितना हो जाएगा, एक काम करो क्यू, तो 1.2 को छोड़ो, 12 का कितना होता है क्यू, 17/28, 12 का कितना होता है क्यू, 17/28 क्यू है, 1, 2, 3, 3 से पहले पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यू, क्या हो जाएगा, मीटर क्यू, ये इतना जो है उसका एरिया निकल के आया, उस घनावकार जो था पानी से पूरी तरह भरा हुआ घनावकार टैंक, टैंक का जो आयतन था वो इतना हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मतलब यहाँ पे इस मीटर को एक काम करते हैं, लीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो लीटर में आंसर पूछा गया है, तो एक काम करते हैं 17.1728 को हम जो है लीटर में चेंज करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, तो कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 1728 लीटर,
क्यों? पॉइंट हट जाएगा बस इन तीन जीरो से, क्या होगा ये पॉइंट क्रॉस हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद में तीन डिजिट हैं, समझ गए। तो यहाँ पे तो 17-28 लीटर ये हो गया टैंक का, ठीक है। अब आगे देखते हो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन देखो, 64 बाल्टी निकाल ली जाती है, 64 बाल्टी उठाओ पहले तो, 1/3 पानी से भरा रहता है, मतलब 1/3 भरा रहता है। मैंने अभी बोला है इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तीन क्या है यहाँ पे, टैंक कुल है तीन, जब कुल टैंक की क्षमता है एक भरा हुआ है, तो सोचो उन 64 बाल्टी में निकाला गया पानी वो कितने के बराबर होगा, इन दो के बराबर होगा। ये दो यूनिट क्या है, निकाला गया, ये पानी वो है जो कि निकाल लिया गया, समझने की कोशिश करना। अब देखो फ्रेंड्स, ये क्या है, ये टोटल वॉल्यूम है किसका, टैंक का, लेकिन टैंक का भाग तीन है, तो तीन बराबर हमें दिया है इतना, तीन बराबर हमें कितना दे दिया है, 17/28। तो एक बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तीन से काट लें, 3, 5, 15 बचे कितने, 2, 3, 7, 21 बबचे कितने, 1, 3, 6, 18 576। मतलब एक पार्ट की जो वैल्यू है 576 है, एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 576 है भाई, एक पार्ट की वैल्यू है 576 लीटर। तो पानी निकाला कितना गया, अब इनमें से देखो भरा हुआ है उसमें एक, तो मतलब 576 तो उसमें है, दो निकाल लिए गए, तो ये तो एक की वैल्यू भाई दो की कर सकते हैं, दो का गुणा कर दो, तो 576 मल्टीप्लाई दो कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो भाग है ये 64 बाल्टी में निकाला गया पार्ट है, कितनी बाल्टी में, 64 बाल्टी में निकाला गया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पार्ट है वो 64 बाल्टी में निकाल रहे हैं, तो एक बाल्टी में निकाला गया भाग कैसे निकालेंगे, सिंपली इसे डिवाइड कर देंगे किससे, 64 से। अच्छा 64 से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, एक बाल्टी का आयतन आ जाएगा, मतलब एक बाल्टी में कितना पानी था वो हम निकाल रहे हैं, क्योंकि 64 बाल्टी में इतना पानी है, वो क्यों, क्योंकि दो रेशियो निकाला गया था, वो क्यों, क्योंकि एक भरा हुआ रह गया था, टोटल था तीन, तीन में से एक गया तो बचा दो। अब देखो यहाँ पे दो बचा है, मतलब जो निकाल लिया गया है उसकी बात करूँ तो दो निकाला गया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो एक बराबर इतना है, तो दो बराबर कितने लीटर हो जाएगा भाई, इतने लीटर दो का मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर आप इसे काट लीजिए, काट लोगे तो आसान हो जाएगा, नहीं तो मल्टीप्लाई करोगे फिर काटोगे फिर माता बच्ची करोगे, तो इससे अच्छा दो से काट दूं ना 32 बार, और 32 से काट दूं ना कितनी बार, 18 बार, तो फाइनली कितना पानी आता है उसमें, 18 लीटर आता है, किसमें, एक बाल्टी में जी, क्योंकि 64 बाल्टी में इतना आ रहा था तो एक बाल्टी में डिवाइड करने पे आ जाएगा, तो 18 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का ये डाउट भी क्लियर हो चुका होगा, तो इसी के साथ में फिनिश होता है हमारा पाइप एंड सिस्टर्न। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपका ये डाउट क्लियर हो गया हो तो, प्लीज़, ठीक है। इस वीडियो पे मैं चाहूँगा मिनिमम कम से कम 100 लाइक, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, पढ़ाना मेरी ज़िम्मेदारी है, सिखाना मेरी ज़िम्मेदारी है, ऊपर तक ले जाना मैथ्स में मेरी ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़िम्मेदारी है शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। तो हम अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी ज़िम्मेदारी ना भूलें, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा और एक बार फिर समझ लेते हैं। देखो ए बराबर हमें एक भुजा दे रखी है 1.2 आई, उसमें घनावकार का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यू की वैल्यू निकाली 1.78, क्योंकि 12 का क्यू होता है, सीधे लिख दिया 17/28, पॉइंट और लगा दिया, पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि तीन डिजिट तीन बार करना पड़ेगा, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मीटर क्यू हो गया क्योंकि क्यू में है। अब मैंने क्या किया, ये लीटर में ऑप्शन पूछ रहा है, लास्ट में देखोगे तो लीटर में आंसर दो जी, तो मैंने पहले लीटर में कर लिया भाई 17/28। अब ये 17/28 क्या, ये टोटल क्वांटिटी है जो कि टंकी में फिल हो रही है, टोटल बस इतना पानी आ सकता है, लेकिन टंकी में एक पार्ट और दे दिया 1/3। 1/3 से हमने ये समझ लिया कि तीन कुल है, जब तीन कुल होता है, मैंने आपको परसेंटेज में भी सिखाया है सारी चीज़ें, मैंने ये सिखाया हुआ आ रहा हूँ कि फ्रैक्शन में कौन सी चीज़ क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तीन क्या है, कुल है, तीन बराबर हमारी ये वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये कुल है रेशियो में और ये कुल है लीटर में, तो तीन बराबर इतना है, तो एक बराबर इतना भाई, तीन में से एक भरा हुआ है उसमें, क्वेश्चन बोल रहा है 1/3 भाग भरा हुआ है, 1/3 भाग भरा होने का मतलब है कि तीन में से एक भरा हुआ है, दो बाहर निकाल दिया, और जो दो बाहर
निकाला है वो किससे निकाला है, 64 बाल्टी के थ्रू, और 64 बाल्टी समान है, 64 जो बाल्टी है वो सभी इक्वल है। क्वेश्चन ने हाईलाइट करके बोल दिया है क्लियर कि प्रत्येक बाल्टी का पानी का आयतन कितना होगा। इससे पहले बोला है कि भुजाई इतनी है टैंकी, माना कि सभी बाल्टियां समान माप की हैं, जो बाल्टियां हैं वो समान है, कोई दिक्कत नहीं, तो दो का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने देखा पानी कितना निकाला गया, तो इतना निकाला गया डिवाइड बाई 16, कैलकुलेट किया 18। चलो फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है, बाय, टेक केयर।